गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 3 के स्टूडेंट, मैं दिवाकर प्रसाद, जनरल नॉलेज चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 7 फोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के किले के बारे में कल जानकारी दे रहे थे। आज मैं फिर कुछ और भी किले के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो कल जैसा कि मैंने बतलाया था, गोलकुंडा फोर्ट, गुलबर्गा फोर्ट, फोर्ट विलियम, अंबर फोर्ट के बारे में जानकारी दी थी। आज हम फिर अगला 5th नंबर में अगुआडा फोर्ट, अगुआडा किला या अगुआडा किला गोवा में है, जो कि पुर्तगाली वास्तु का नमूना है और इसे 3 साल में बनाया गया था। इसका निर्माण 1609 ईस्वी में शुरू किया गया तथा 1612 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। अगुआडा, अगुआ का मतलब पुर्तगाली भाषा में पानी होता है। चूंकि ये पानी के पास ही बना था, इसीलिए इसे अगुआडा का किला कहा जाने लगा। यह गोवा के, गोवा एक राज्य है भारत का, गोवा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। यह किला गोवा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पूरे साल बच्चों यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यह एक उत्कृष्ट दर्शनीय स्थल है और पुर्तगाली साम्राज्य की संस्कृति का प्रमाण है। करीब 400 साल से यह किला यहाँ मजबूती से खड़ा है और इसकी भव्यता अब तक बरकरार है, मौजूद है। इस किले का निर्माण साम्राज्य के सामरिक महत्व एवं रक्षा आधार के लिए किया गया था। यहाँ पर स्थित अगुआडा लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है। यह एक 4 मंजिला ढांचा है। इसके अलावा यहाँ अगुआडा जेल भी है, जो गोवा के सबसे बड़े जेलों में से एक है। अगुआडा का किला और इसका लाइट हाउस, जहाँ से अरब सागर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 6, राजगढ़ फोर्ट। यह राजगढ़ फोर्ट, राजगढ़ भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। पूर्व में प्राचीन काल में मुरुम देव के रूप में इस किले को जाना जाता था। यह किला लगभग 26 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, छत्रपति शिवाजी के शासन में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, जिसके बाद राजधानी को रायगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुणे में से 54 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। यह पुणे के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है और महाराष्ट्र में ट्रेकिंग के लोकप्रिय स्थानों में से भी एक है। राजगढ़ का किला सहाराद्री के भव्य किलों में से एक है। राजगढ़ का किला लगभग 1400 मीटर 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे शिवाजी के पुत्र राजा राम छत्रपति
उनकी रानी साईबाई की मृत्यु और अफजल खान के सिर के सिर को किले में दफनाया गया है। किला शानदार डिजाइन और निर्माण का एक उदाहरण भी है। नेक्स्ट अगला नंबर जो है वह द ग्लोबल विपासना पैगोडा। ग्लोबल विपासना पैगोडा एक मेडिटेशन डोम हॉल है जिसमें मुंबई महाराष्ट्र भारत के उत्तर पश्चिम में गोराई के पास लगभग 8,000 विपश्यना ध्यान लगाने की क्षमता है। 8 फरवरी 2009 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो एक महिला थी द्वारा पैगोडा का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट वो जंजीरा वाज एन इनविजिबल फोर्ट इट वाज बिल्ट बाय द अबेसिनियन इन एडी 1511। नाइदर द मराठा द मुगल द पोर्तुगुज नॉर द ब्रिटिश कूड एवर कैप्चर इट। ये मुरूर जंजीरा किला यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरूर में स्थित एक किला है। यह किला पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र किला है जो कि कभी भी जीता नहीं जा सका था। यह 350 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोग इसे अजय किला कहते हैं। इस किले को ब्रिटिश पुर्तगाली शिवाजी महाराज कान्होजी आंग्रे चिंपाजी अप्पा तथा संभाजी महाराज ने जीतने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए थे। यह जंजीरा का इतिहास, जंजीरा किले का इतिहास। तो बच्चों इस वीडियो में विभिन्न फोर्ट इंडिया के किले के बारे में जानकारी दी जो ऐतिहासिक धरोहर भी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।